वह यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अनिल राजभर ने कहा कि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम रख दिया। अनिल राजभर ने यह भी कहा कि जिस दिन ओपी राजभर महाराज सुहेलदेव से युद्ध करने वाले सालार मसूद की मजार पर गए थे, उसी दिन से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का ये नाम रख दिया है। अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बिरादरी का हक मारकर खाने का आरोप लगाया और राजभर समाज का तभी भला हो सकता है जब ओम प्रकाश राजभर की राजनीति बंद हो जाए, ये भी कहा। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सालार मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने, तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया, राजभर समाज ने उनको कुजात काट दिया, उनका नाम असलम राजभर। वही आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हापुड़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन अचानक भूपेंद्र चौधरी नाराज हो गए। दरअसल स्वागत के दौरान फूल बरसाए जा रहे, इसी बात से चौधरी विफर्क पड़े और आगे से उन्हें ऐसा ना करने की हिदायत तक दे डाली। मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं खड़ा हो जाऊंगा, बोलने लगा। कोई अगर बदतमीजी करेगा, मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई सिख इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई करूंगा, बोलने लगा। सम्मान से बात कर लो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।